विधानसभा में बुधवार को विपक्ष की ओर से पिछले बजट में की गई घोषणाओं के धरातल पर नहीं उतारने का मामला भी उठाया गया। विधायक हमीर सिंह भायल ने जनता क्लिनिक खोलने की कार्य योजना का सवाल उठाया तो विधायक रामलाल शर्मा ने जोधपुर जिले में उम्मेद स्टेडियम के विकास को लेकर की गई घोषणा का भी मुद्दा उठाया। जनता क्लिनिक को लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि जयपुर जिले में 12 जनता क्लिनिक खोले गए हैं, वहीं जोधपुर में 3 जनता क्लिनिक का निर्माण कार्य चल रहा है। विधायक भायल ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी जनता क्लिनिक खोलने की मांग रखी, जिस पर चिकित्सा मंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्र की कच्ची बस्तियों में जनता क्लिनिक खोलने की कार्य योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में 200 सब सेंटर खोले गए हैं। वहीं उम्मेद स्टेडियम पर खेल मंत्री अशोक चांदा ने कहा कि उम्मेद स्टेडियम के लिए 2 करोड़ रुपए की लागत से शेड निर्माण कार्य की घोषणा की गई थी, जिसका टेंडर हो चुका है। फिलहाल पैसों का व्यय नहीं हुआ है। इस पर विपक्ष ने हंगामा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में 1 साल बीत गया और दूसरा बजट भी आ रहा है, लेकिन पिछली घोषणाएं अभी तक धरातल पर नहीं आई। क्या सरकार लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी? तो चांदना ने कहा कि अगर अधिकारियों की लापरवाही रही तो आवश्यक रूप से कार्रवाई होगी।